इधर अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की जांच 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। दरअसल अमेठी के एक निर्दलीय उम्मीदवार ने राहुल गांधी की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। अमेठी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन की जांच 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। अमेठी से ही एक निर्दलीय उम्मीदवार ने राहुल गांधी की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। किन परिस्थितियों में वो ब्रिटिश सिटीजन है और वो कैसे आज इंडियन सिटीजन, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बहुत सारी गलतियां हैं। ये भी कहा रिटर्निंग ऑफिसर साहब से कि आप इस पे समुचित क्लैरिफिकेशन मांगिए। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश के संविधान के साथ धोखा किया है। क्या आपने भारत के नागरिकता को स्वीकार करके क्या भारत के संविधान के साथ क्या आपने धोखा दिया है? क्या आपने झूठ बोलकर चुनाव लड़े हैं? कल तक तो उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा था, आज पात्रता या अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन। तो मेरे विचार से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का आधार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। बेहद हाई प्रोफाइल इस सीट पर 6 मई को वोटिंग है। राहुल गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी के साथ है।